नवरात्रों के दौरान अगर 12-15 मिनट में रोटी बनाकर खानी हो तो साबूदाना की रोटी एक बेहतरीन ऑप्शन है। साबूदाना व्रत के दौरान खाने में हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर होता है। तो जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डिजी को सब्सक्राइब कर लें और हम साबूदाना की रोटी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना खाने के कई फायदे हैं। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है और खासकर हड्डियों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। आज साबूदाना की रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप साबूदाना, जिसे मैं 2-3 बार पानी में धोकर इस्तेमाल करूंगी। धोने के बाद साबूदाना का सारा पानी निकाल दें। अब मैं इसे ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। साबूदाना को ग्राइंड करने के लिए यूजुअल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तो मैंने इसे लगभग 1 मिनट के लिए लगातार ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। साबूदाना ग्राइंड करने पर इसकी बहुत बढ़िया पेस्ट बन गई है। साबूदाना रोटी में आज मैं आलू भी डालकर बनाऊंगी। तो यहाँ मैं 2 उबले हुए आलुओं को कद्दूकस कर रही हूँ ताकि इनके लम्स ना बन पाए। इसमें डाले बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक और 1/3 कप दरदरी पीसी हुई मूंगफली डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। साबूदाना रोटी में हल्का क्रंच लाने के लिए मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। साबूदाना रोटी में बढ़िया टेस्ट और कलर लाने के लिए इसमें बारीक काटा हुआ 1 चम्मच धनिया डालकर मिला दें। क्योंकि साबूदाना मैंने वॉश किया था तो उसमें काफी मॉइस्चर है और उसी के साथ उबले हुए आलुओं में भी इतना मॉइस्चर है कि इस डो को गूंथने के लिए मुझे बिल्कुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं है। साबूदाना रोटी के डो को इकट्ठा करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर गूंथ रही हूँ। रोटी के लिए डो तैयार है। अब यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है जिस पर मैं थोड़ा देसी घी लगा रही हूँ ताकि रोटी इससे चिपके नहीं। अब एक आम रोटी से थोड़ा ज्यादा डो हाथों में लें, जिसे हम रोटी की शेप का गोल बनाएंगे। इसे इस तरह हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाकर गोल शेप में फैला लें। अगर ये हाथों से चिपक रहा है तो हाथों पर थोड़ा देसी घी लगा लें। बटर पेपर के कारण इसे उठाने में भी आसानी होगी। बटर पेपर ना हो तो आप प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साबूदाना रोटी पकाने के लिए गैस पर तवा चढ़ाएं और इस पर देसी घी लगाकर फैला दें। अब इस पर मैं साबूदाना रोटी डालकर सेक रही हूँ। गैस मैंने मीडियम हाई पर सेट की है। 50-60 सेकंड्स एक तरफ से सेकने के बाद मैं इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ। इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाकर ब्रश कर लें और इसे बारी बारी उलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लें। नवरात्रों के दौरान मैं हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो घी की जगह मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नवरात्रों में खाने के लिए सही है। मीडियम हाई गैस पर लगभग 3-4 मिनट लगातार उलट पलट कर सेकने के बाद साबूदाना रोटी सर्व करने के लिए तैयार है। 1 कप साबूदाना और बाकी की बताई की सामग्री से आपकी 5 साबूदाना रोटी बनकर तैयार होगी। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना रोटी खाना फायदेमंद है क्योंकि इसे खाने से बहुत देर तक भूख नहीं लगती। ये खाने में भी टेस्टी है और बनाने में भी आसान है। तो आप भी आज ही साबूदाना रोटी की रेसिपी ट्राई करें और ऐसी ही और नवरात्रि स्पेशल वीडियोस देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।